हेलो फ्रेंड्स, सिक्स सेमेस्टर ऑटोमोबाइल वाले समझे। मैं बात कर रहा था कुछ उपकरण की, मैं बात कर रहा था जो आपके शॉप में यूज होने वाले कुछ उपकरण की मैं बात कर रहा था। आज मैं बात करूंगा उसी उपकरण को आगे लेकर, बेंच वाइज। बेंच वाइज का उपयोग जनरली आप लोग सब जानते हैं कि बेंच वाइज का उपयोग किया क्या जाता है और करते क्यों हैं। ठीक है, बेंच वाइज का उपयोग हम करते हैं जॉब को अच्छे से पकड़ने के लिए, ताकि वो इधर उधर ना हो जाए और मैं अपना बोल्ट को अच्छे से सहायता से कस लें या काट लें या उसको अच्छे से पकड़ लें। ठीक है, इसलिए मैं बेंच वाइज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर एलन चाबी, उसके बाद क्या होता है, एक अगला होता है उपकरण जो होता है आपका एलन चाबी होता है। एलन चाबी का उपयोग जानते हैं, वो कई प्रकार के नट बोल्ट को खोलने में उसका सहायक होता है। ठीक है, ये अधिक से अधिक जो मशीन के अंदर पार्ट्स में लगे रहते हैं उसको खोलने में अधिक सहायता देता है। ठीक है, ये उपयोग मल्टी होता है और यह इसका उपयोग अधिक बहुत किया जाता है। ठीक है, जो छोटे से छोटे पेच होते हैं उसको खोलने या ढीला करने में इसका उपयोग किया जाता है, और यह जटिल जगहों पर होता है जहाँ वहाँ पर भी इसका उपयोग अच्छे से हम कर लेते हैं। ठीक है, ये एलन की होता है। ठीक है, अगर मैं माइक्रोमीटर की बात करूँ, माइक्रोमीटर हो क्या होता है, ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। ठीक है, क्या माइक्रो क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, एक सूक्ष्म यंत्र मापी होता है। ठीक है, सूक्ष्म यंत्र मापी होता है जो स्क्रू और पेच को अच्छे तरीके से नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होता है, ये एक सूक्ष्म मापी होता है और यह स्क्रू और नट पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यह इस्पात का बना होता है। ठीक है, यह क्या होता है, इस्पात का बना होता है और स्क्रू द्वारा इसकी छोटी से छोटी माप को आसानी से माप लिया जाता है। छोटी से छोटी माप का मतलब क्या होता है, अगर 0.01 से लेकर 0.001 मतलब 0.1 से लेकर क्या कहते हैं 0.01 से 0.001 तक इसको मापा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं 0.1 से 0.01 इंच तक माप का आसानी से ली जाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, इंच तक आसानी से माप लिया जाता है। ठीक है, बाजारों में माइक्रोमीटर विभिन्न प्रसार में मिलते हैं। ठीक है, जैसे 2.5 mm, 0.0 से क्या कहते हैं 25 mm, या 25 mm से 50 mm, या 75 mm से 100 mm आदि में मिलते हैं। ठीक है, ये जो मार्केट में आपका मिलता है क्या कहते हैं 25 से 50 mm या 50 से 100, तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रकार होता है, ये कुछ प्रकार होते हैं, कई प्रकार में इसका उपयोग किया जाता है, यह कई प्रकार का होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से आउटसाइड माइक्रोमीटर, आंतरिक माइक्रोमीटर। ठीक है, जैसे आउटसाइड में आपको मापना हुआ तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर माइक्रोमीटर मतलब आंतरिक में हुआ तो आंतरिक में ही आप लोग जनरली इसको देखे भी होंगे माइक्रोमीटर कैसे हो जाता है। और उसको अगर गहराई मापना हुआ, किसी का लेंथ मापना हुआ, तो क्या करते हैं, यह चूड़ी का माइक्रोमीटर मापना हुआ, जो पेज का चूड़ी होता है अगर वो कितने एम एम में कट रहा है, अगर उसका वो भी मापना हुआ तब भी मैं इसका उपयोग वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल में। ठीक है, यह क्या करते हैं, ये मापने के लिए 0.0 से 100 mm या 0 से 4 इंच तक इसको मापा जा सकता है। ठीक है, इसी लाइन में हम आते हैं, एक बर्नियर कैलिपर्स होता है। बर्नियर कैलिपर्स आप लोग जानते हैं और देखे भी होंगे, बर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, वहाँ लाइन में आप लोगों को दिखाया गया था। ठीक है, बर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक ऐसा पार्ट होता है जो ऑटोमोबाइल्स के विभिन्न पार्ट्सों की माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या होता है, ये ऐसा यंत्र होता है जो ऑटोमोबाइल के विभिन्न पार्ट्सों को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसकी तमाम प्रकार की आकृति, बाह्य और अंतर आकृति में भी मैं इसको मापने के लिए अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स जो होता है ये प्रशुद्धताओं में उपलब्ध रहता है। जैसे ये क्या होता है, ये इसकी अधिक से अच्छे से अधिक आपकी जो माप हो, मेजरमेंट होता है, अधिक से अधिक सही देता है। जैसे मैंने 0.1 mm से 0.5 mm तक या 2 mm तक इत्यादि, ये क्या करता है, ये माप सकता है। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 0.1 mm से 0.5 mm तक इसको अच्छे से माप सकते हैं। ठीक है,
क्या करते हैं इसको अच्छे से माप सकते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का साधारण में निकिल क्रोमियम इस्पात या वैनेडियम इस्पात के बनाए जाते हैं। क्या करते हैं, जो आपका माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, वो सॉरी वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स क्या बनाया जाता है, किस धातु का बना होता है या किसका बनाता है, निकिल क्रोमियम इस्पात या बना रहता है वैनेडियम इस्पात का बना रहता है, वैनेडियम इस्पात का बना रहता है। ठीक है, इसका मुख्य भाग होता है मुख्य पैमाना या वर्नियर पैमाना। ठीक है, ये क्या करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट यूनिट बनाते हैं। ठीक है, गहराई मापन पत्ति करते हैं। ठीक है, इसकी जो गहराई होती है उसको मापा जाता है और साधारण इसकी ऊंचाई गेज मापते हैं। ठीक है, इसी में एक आता है आपका सरफेस ग्राइंडर और टेकोमीटर। ठीक है, सरफेस ग्राइंडर क्या होता है, ये एक बेंच वाइस की तरह रहता है, बेंच वाइस की तरह क्षैतिज स्पिंडल पर मेज सरफेस ग्राइंडर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेज है वो सरफेस है, उस पर एक ग्राइंडर लगा देते हैं। ग्राइंडर क्या होता है, जो आपका जो समतल पहिए की तरह होता है, ठीक है, उसके ऊपर बेंच वाइस लगा देते हैं, उसमें एक बेंच वाइस में एक कटर लगा देते हैं और उसके ऊपर पहिए को सेट करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल साहब में सरफेस ग्राइंडर का प्रयोग समतल जगहों पर किया जाता है। सबसे पहले वही बता रहे हैं आपको, जो बेंच वाइस है या आपका बेंच है जो सरफेस है लकड़ी का, उसी पर इसको लगाया जाता है। ठीक है, ग्राइंडर के द्वारा आवश्यकता अनुसार टेपिस सतह पर इसको वक्राकार ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, तो उसको आवश्यकता के अनुसार आप उसको वृत्ताकार या अंडाकार या सरफेस बना सकते हैं। ठीक है, वो तो अपने ऊपर है किस तरह से हम यूज में इसको ले रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसी तरह से आपका जो क्षैतिज स्पिंडल पर शार्क में सरफेस ग्राइंडर है, ये इसी तरह से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, एक क्षैतिज स्पिंडल पर एक ग्राइंड पहिया लगा रहता है, वही बताया ना, जो सरफेस रहता है उस पर एक पहिया लगा रहता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मेज है, ये आपका क्या बन गया, ये मेज है। ठीक है, ये आपका पूरा मेज है। ठीक है, इस पर एक सरफेस लगा रहता है, ये कुछ ऐसे लकड़ी का गुटका रहता है, ऐसे उस पर रखा हुआ है और उसके ऊपर एक पहिया बना हुआ है, ऐसे कुछ पहिया है और उसमें एक ऐसे भी धुरा लगा रहता है। ठीक है, जो उसको चारों तरफ काटता रहता है। ठीक है, जबकि एक क्षैतिज मेज पर इसको एक चुंबकीय चक की तरह लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक इसको चुंबकीय चक की तरह इसको लगा देते हैं। ठीक है, और इस पर लौह धातु के समतल जॉ को आसानी से पकड़ सकते हैं। क्या करते हैं, जॉ धातु को आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, और मेज के हैंडल की सहायता से इस चेक को आगे पीछे चलाया जाता है। जो ये आपका हैंडल लगा रहता है, इसको चेक मतलब जो पहिया है इसको हम आगे पीछे घुमाते रहते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जॉ को रखकर घुमाते हुए ग्राइंडिंग को आवश्यकता अनुसार काट लेते हैं। जो आपको बताया नहीं, ये आपका समतल सरफेस है और ये आपका कटर है, चॉप कटर है, उसके ऊपर एक पहिया लगा रहता है और ये आपका क्या है, हैंडल है। ठीक है, अब मैं जॉब को इसके ऊपर रख देते हैं कटर के और इसको हैंडल को इस पहिए को जॉब से घुमाते रहते हैं। ठीक है, जब मैं इसको क्षैतिज में घुमाते रहते हैं ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये क्या करता है, कटर आपके इसको काट देता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार इसको काट देगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, मेज को मेज पर कारखंड को जकड़ने के लिए चुंबकीय चक के स्थान पर फिक्सचर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या था, सरफेस ग्राइंडर था, सरफेस ग्राइंडर। टेकोमीटर की मैं बात करता हूँ, टेकोमीटर क्या होता है, ये टेकोमीटर एक देसी टेकोमीटर होता है, इसका प्रयोग कोणीय चाल मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, टेकोमीटर का प्रयोग क्रैंकशाफ्ट की घुमाव गति के मापने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं, टेकोमीटर का उपयोग समझ लीजिए क्या होता है, टेकोमीटर का उपयोग क्या करते हैं, कोणीय चाल को मापने के लिए किया जाता है। जो आपका आर्मेचर में लगा रहता है, अंदर एक धुरा रहता है जिस पर आर्मेचर सेट रहता है, उसके जो कितना चक्कर फ्लैक्स कट रहा है, ठीक है, कितना फ्लैक्स कट रहा है, उसको मापने के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक चीज इसमें रहता है, इसको मापने के लिए जो क्रैंकशाफ्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट को मापने के लिए ही भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, क्रैंकशाफ्ट को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं कि कितने चक्कर यह घूम गया। यह दो प्रकार का होता है, एक डीसी टेकोमीटर होता है, एक एसी टेकोमीटर होता है। जो डीसी टेकोमीटर के होता है वो क्या होता है, ये एक डीसी जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है, एक डीसी जनित्र के सिद्धांत पर
कार्य करता है, ठीक है। इससे एक छोटी आर्मेचर कुंडली लगी रहती है। क्या होता है, एक छोटी सी आर्मेचर कुंडली रहता है, कुछ इस तरह से लगा रहता है, एक छोटी सी कुंडली आर्मेचर लगा रहता है। जैसे मान लीजिए ये आपका, ये क्या हुआ, ऐसा ही कुछ रहता है, ये आपका आर्मेचर हुआ, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, आर्मेचर हुआ, ठीक है। ये आपका चुंबक हुआ, क्या हुआ, चुंबक, ये भी चुंबक, चुंबक हुआ, ये क्या हुआ, आपका आर्मेचर हुआ, आर्मेचर, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, आर्मेचर हुआ। और क्या करते हैं, कुंडली रहती है, घूर्णी कुंडली रहती है, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका घूर्णी कुंडली है और एक शाफ्ट से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये क्या हुआ, एक शाफ्ट से भी जुड़ी हुई है, क्या है, एक शाफ्ट से आर्मेचर क्या है, एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, घूर्णन गति करने वाली इस शाफ्ट को किसी ऐसी युक्त की सहायता से क्रैंकशाफ्ट से जोड़ देते हैं। जो क्रैंकशाफ्ट होता है, किसी युक्त से इसको जोड़ देते हैं और आपको इसकी सहायता से आर्मेचर में एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है, ठीक है। जो आर्मेचर है वो एक चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, घूमने लगता है। ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, इसे से घूमने लगता है, ठीक है। और इसकी उपयुक्त की सहायता से क्रैंकशाफ्ट को क्या कर देते हैं, इसमें एक फ्लैक्स कटने लगता है, परिवर्तन करने के लिए होने के कारण इसको प्रेरित वाहक बल कहा जाता है। क्या कहते हैं, आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है। क्या होता है, इसमें जब आर्मेचर ये क्या करेगा, घूमने लगेगा, तो इसमें क्या होने लगेगा, एक विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है। क्या होता है, विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है, ठीक है, उत्पन्न होने लगता है। जिसे हम क्या करते हैं, शाफ्ट का मान घूर्ण गति के समानुपाती होता है। जो शाफ्ट का मान होता है और विद्युत जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, ये क्या होता है, उसके समानुपाती होता है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं डीसी मोटर की मैं बात करूं, सॉरी ये डीसी था, अगर मैं एसी मोटर की मैं बात करूं तो क्या होता है, यह एक व्यवहारिक डीसी टेकोमीटर होता है, ठीक है, जो एसी की सहायता से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। इसमें चुंबक को घूमते हुए शाफ्ट के संबद्ध कर दिया जाता है और यह इसमें भी एक कॉयल होती है, उसी जो सेम कॉयल रहती है, और इसमें भी आर्मेचर को घुमाने पर इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न हो जाता है तो ये क्या होता है, आयाम और आवृत्त दोनों साइड के घूर्णन गति के समानुपाती होता है, ठीक है। जो इसमें आयाम होता है, इसमें और इसमें अंतर क्या रहता है, जब ये आर्मेचर घूमने लगता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो विद्युत वाहक बल और इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। और जब एसी की मैं बात करूं तो इसके आयाम तथा आवृत्त शाफ्ट के दोनों ओर घूर्णन के समानुपाती होते हैं, ठीक है। ये था आपका टेकोमीटर, ठीक है। अगला वीडियो कल बनाते हैं, कल मैं बात करता हूँ कुछ फीलर गेज और डायल गेज के बारे में, ठीक है। कल ये टॉपिक खत्म हुआ तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक क्या शुरू करेंगे, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, ये टॉपिक कल। धन्यवाद।